नमस्कार, मैं मोहम्मद इजाज़। आप देख रहे हैं लाइव सीवर। जिले के तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा गांव के गरीबों का बस्ती में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ग्रामीणों का आना जाना पानी के सहारे ही है। बताते चले कि बाढ़ आने पर वहां लगभग 5 फीट ऊंचाई पानी रहता है। वहीं पंचायत के सरपंच श्री अमित कुमार ने बताया कि हम लोग को कठिन प्रयास करने के बाद भी यहाँ न कोई रोड बनाए न ही कोई कार्य हुआ है। हम DM साहब को रोज कॉल करते हैं लेकिन वह कॉल नहीं रिसीव करते हैं। उनका यह कहना यह था कि कोई अधिकारी या नेता नहीं सुनते हैं। वहीं मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि जल जमाव में आने जाने के इतने बच्चे हैं, सदियों से डूबते आ रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक इस जल जमाव का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है और पानी के लिए जल जमाव झेलते इधर उससे उधर भागना पड़ता है। वहीं ज़्यादा जल जमाव के कारण घर के बच्चे और घर डूब जाते हैं और हम लोग बांध पर आकर पॉलीथीन रख कर रहते हैं। वहीं कुछ और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ राशन सिर्फ 4 kg ही मिलता है और हम लोग पहले से ही लॉकडाउन से परेशान हैं, उसके बाद जल जमाव और गरीबों से परेशान हैं। लाइव सीवर संवाददाता भास्कर कुमार की रिपोर्ट, देखते रहिए लाइव सीवर न्यूज नेटवर्क। तरियानी प्रखंड के शहीदों के गांव तरियानी छपरा का है, जो यही स्थिति है आप देख सकते हैं। राजा ये अपने माल जाल को लेकर के गाड़ियों से बेचे मन हो तो तुम भी चला के पैदल जा रहा है, पटना लेकर के जा रहा है। ये तोरा बोले कि देखा जा सकता है कि आगे से देखिए कितने आदमी आ रहे हैं, जो बात ना घर द्वार है बिल्कुल हम घरों तो देखा कि सब हम सके चलता है। सब पानी है यहां पे, कब से कभी तो अति बोले के असारे से पानी है। कितने सालों से यहां पे जल रहा है? 15-20 साल से, 15-20 साल से तो यहां से यहां ये रवैया है। आ कोई सरकार मानता है पब्लिक के लेके सरकार बन जाता है, या सरकार हो जाता है तो पब्लिक के कुछ ना करता है। अभी तक कोई इस पर कोई काम नहीं हुआ है? ना नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ राहत मिली है? ना कुछ ना बाबू साहब, हमरा सके राहत है ना कुछ ना। वोटे लेवे के बेर खाली बोलना, यही बोलिए खाली वोटे के बेर को आज हमरा सके। हर आदमी वोट लेने आता है यहां से, है ना कुछ मिला है पानी से तहरता है हमरा सके कुछ नहीं मिलता है। अरे कितना बाढ़ जब आता है तो कितना पानी होता है लगभग? सहारे जाते हैं बाहर चौकी पर बाल बचा के रखे ना कुछ है, ये सब बांध के डेरा दे है, सब बांध मिलता होगा लेके नहीं मिलता है कुछ, नलों के जल नहीं मिलता है कुछ ना हुआ, नलों पर जो वही लगा खाओ। हाँ अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल नल वाला भी बात उठाइए। जल नल बोला बोलिए, हमको नाम है नीलम देव। नीलम देवी आपका घर कहाँ पे? यहीं पे है। हाँ यह है घर, इनका घर भी डूबा हुआ था बाढ़ में, देख सकते हैं आप, इनका घर भी बाढ़ में डूबा हुआ है, अभी तक काई भी लगा हुआ है उसपे। और कोई चाचा आ रहा है पानी? हाँ ये बहुत पुराने नेता है भाई। आप पानी हल करके आ रहे हैं, क्या तकलीफ महसूस हो रहा है? कॉस के बताइए तकलीफ जो है, तो देख ही रहे हैं, जो निकलने का सुविधा कहीं नहीं है। अच्छा कोई सुविधा सरकार का तो योजना है 5 किलो देने का, कहना है ना 5 किलो हमरा तक। हम तो सोचे इनका कहना है की राशन भी कम दिया जाता है, राशन भी जो है 4 kg ही दिया जाता है। घर के लिए और इस स्थिति को देख रहे हैं, इसलिए हम इनसे खास बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए क्या इस मामले में क्या समस्या है और आप उठाते हैं कि नहीं इस मामले को? हम जो है DM साहब को जो है 20 बार जो है आवेदन दे चुके हैं, हमेशा फोन करते हैं, फोन तक नहीं उठाना छोड़ दिए हुए हैं। DM साहब से मिलने के प्रोग्राम लिए टाइम दे के मिलते नहीं है। हम लोग जो है
जा रहे हैं कि मतलब कैसे जो है इस पानी को निकासी किया जाए, इस पर जो है हमेशा विचार विमर्श कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री को भी आवेदन दिया गया है, हम लोग फिर पटना जो है एक टीम बनाकर हम लोग सोच रहे हैं कि पटना जाके इस पर जो है इसका समाधान कैसे हो, इसका जो विचार किया जाए। जब से बाढ़ आता है तब से यही स्थिति है, कभी आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जीर्णोद्धार नहीं, कोई उपाय नहीं। हम लोग अब दो चार पंप लगाए, कभी कभी निकालना चालू करते तो उससे क्या हो, पंप से क्या होगा, छोटा छोटा पंप से इसमें चाहिए कम से कम 12 इंच वाला पंप जो है, मतलब दो पंप स्टेशन अगर लग जाए तो फिर जो है गांव का जो है। कितने घर इससे लगभग इस रास्ते से होकर कितने घर, कितने लोग जाते हैं? 100 घर के आसपास है इससे जो है प्रभावित। 100 घर का लगभग आना जाना पूरा जनजीवन व्यस्त है। आपका नाम क्या होगा? अमित कुमार। यहीं पे घर है आपका ना? हाँ हाँ, यही। कुछ और लोगों से बात है? क्या हर साल बाढ़ आता है और बच्चे डूबते हैं और यहाँ पे ऐसा ही रहता है? हाँ, ऐसा ही हर साल हर साल यही स्थिति है, पूरा हिलना पड़ता है, यहाँ तो वहाँ तक जाना पड़ता है। कोई अब नहीं है। क्या नाम हुआ चाची आपका? क्या नाम हुआ आपका? आप लोगों का घर यहीं पे है? जी, यही पानी में है। आप भी पानी हिल करके ही जाते हैं? हाँ, यही। और क्या क्या समस्या होता है पानी हिल करके जाने में? पानी समस्या होता है जब डूबने लगता है, मुजफ्फरपुर से इलाज और कोई समस्या है? बहुत समस्या है, बहुत है। खाने पीने का हर चीज़। आप बताइए क्या क्या समस्या होता है पानी के वजह से? समस्या तो ऐसा है कि जैसे जाने में आने में कष्ट है, पानी ऐसा है कि जैसे सड़क बना तो फूट सकता है, क्या करें, बड़ा घटना सा। आप लोगों ने कहा किसी पदाधिकारी को नहीं सूचना दिया है? सूचना है, मैं सरकारी आके देखे कितने बार आया, कितने बार गया, कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। देख के आएंगे चल जाएंगे। कितना नंबर वार्ड है? एक नंबर है। हर साल बाढ़ आता है और इसी तरीके से जाते आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रामदास। घर यहीं पे है? आप बताइए आपका भी घर यहीं पे है? आपका भी यही स्थिति है? आपका नाम क्या होगा?